मेरे एक दोस्त थे फार्मा में, कुलीग थे, उनको जो है वो रेस्ट का रोमेटिज्म हो गया, यानी ये कलाई, उनकी दोनों कलाई हैं जो है, कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे इस पे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको टाइफाइड हुआ, फिर ये मसला करते करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करता हूँ। मेरे एक दोस्त थे फार्मा में, कुलीग थे, उनको जो है वो रेस्ट का रोमेटिज्म हो गया, यानी ये कलाई, उनकी दोनों कलाई हैं जो है, कभी इस पे कभी इस पे कभी इस पे इस पे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनको टाइफाइड हुआ, फिर ये मसला करते करते तो मुझे किसी जगह पे मिल गए। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब बड़ा परेशान हूँ, जॉब भी नहीं छोड़ सकता और ये मसला है। तो मैं एट द मोमेंट मैं खुद फार्मास्यूटिकल में जॉब करता था, तो उनका मैं आपका एक तजर्बा भी आपसे शेयर भी करता हूँ। और फिर ये कि आपको मैं ऐसी मेडिसिन बताता हूँ कि अगर किसी को भी ये रेस्ट का रेमेटिज़म है तो डेफिनेटली ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, आप इंजॉय करेंगे। एक मेडिसिन ने एक्टियस पाइकाटा, होम्योपैथी की मेडिसिन, स्पेशली ये जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं इनकी बहुत बड़ी दवाई है, कालोफाइलम भी है और एक्टियस पाइकाटा भी है, इसको आप रख लें, 200 में इस्तेमाल करें सुबह शाम 10 कतरे 2 घूंट पानी में। उसके बाद एक मेडिसिन है वाइओला ओड्रेटा, होम्योपैथी की मेडिसिन है ये, जब मैं दवाई का नाम बोला तो नीचे लिखा हो गया आ गया होगा, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई टेक्निकल बात हो तो आप मशवरा ज़रूर करें, लेकिन डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप इस चैनल पर नए तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपकी फैमिली में और इस तरह के कोई पेशेंट है तो आप ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।